हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज की शुरुआत हो रही है मेरे रूम से और अपने घर से। कि आप लोग जानते हैं हमारी शूटिंग खत्म हो चुकी है, पैकअप हो चुकी है। तो अपने एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, पूरी क्रू मेंबर, टीम, प्रोडक्शन टीम सब वापस जा चुकी है आज, जो भी बचे हुए थे। तो फाइनली हमारा शूट पिछले कल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल स्मूथली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इश्यूज़ नहीं आए, बिल्कुल मस्त हो गए। आज मैंने फुल्ली रेस्ट किया। मतलब ऐसे होता था ना कि 4 बजे उठो, 9-2 फटाफट से निकलना, कभी 3:30 बजे उठो। तो अभी देखिए 10:30 हो चुके हैं, तो मैं 10 बजे उठ गया। तो उसके बाद 10 बजे उठ के नहाया धोया, एकदम फ्रेश हो गया और देखिए अभी रेडी हो चुका हूँ मैं फिर से। तो अभी फ़िलहाल ना घर का काम भी चला है, तो घर का काम दिखाता हूँ थोड़ा। उसके बाद मुझे मार्केट तक भी जाना, थोड़ा काम है। तो चलिए पहले दिखाते हैं आपको घर का काम। आपने पहले वाले ब्लॉग्स में देखा होगा कि घर का काम चला हुआ था, दीवारें लग गई थी, फिर शटरिंग का काम चला था। तो अभी शटरिंग वगैरह सब फाइनल हो गए, अभी अपनी सरिया बिछा रहे हैं, उसमें तारे बांध रहे हैं। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में अपना स्लैब लेंटर भी पड़ जाएगा। तो चलिए सीधे चलते और दिखाते हैं आपको। तो अभी का सीन ऐसा है, देखिए हमारी पूरी शटरिंग हो चुकी है। यहाँ पे देखिए पूरे अपने जो बल्लियाँ हैं वो लग चुकी है, और ऊपर ना अभी सरिया बिछाने का काम चालू है। अपने 7-8 लोग लगे हुए हैं काम करने। तो अभी ऊपर को पौड़ियाँ नहीं लगाई हुई है, तो मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि अभी ना कपड़े ख़राब हो जाएंगे सारे। तो शाम को जाऊँगा, एक बार दिखाऊँगा अगर मैं मार्केट से जल्दी आया तो। देखिए अपने 2 भाई लोग वहाँ पर लगे हुए हैं सरिया सीधा करने, क्योंकि थोड़ा सरिया बच गया है ऊपर लगाने के लिए। तो अभी उसे सीधा कर रहे हैं, तो उसके बाद सीधा ले जाएंगे ये भी ऊपर। तो चलिए, मुझे अभी काम है थोड़ा मार्केट में, तो मैं सीधे मार्केट निकलता हूँ। तो मैं निकल चुका हूँ घर से, देखिए अपने डेली वेज के रास्ते में। तो यार मस्त वाली फीलिंग आ रही है इतने दिनों बाद यहाँ से चल के। मतलब यहाँ पर देखिए ना, पेड़ ही पेड़ है साइड से, तो छाँव छाँव में मस्त वाली फीलिंग। तो अभी सीधे चलते हाईवे को, फिर देखते हैं अपना काम। अभी का सीन ऐसा है, मैं बैंक तक जा रहा हूँ क्योंकि ना मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है, ना उससे पैसे निकल रहे हैं, ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है। तो पता नहीं यार कार्ड को क्या हुआ। तो अभी बैंक जाकर पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये काम करते हैं यार, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रांजैक्शन ना कुछ भी नहीं हो रही है, सब अटके पड़े सब काम। तो चलिए चलते हैं बैंक को पहले। तो अभी का सीन ऐसा है, बैंक में मेरा काम ख़त्म हो चुका है, तो मुझे ना कार्ड रिन्यू करना पड़ा, न्यू बदलना पड़ा। अप्लाई कर दिया है मैंने, लगेंगे उसको 14-15 दिन। तो फ़िलहाल मैं अभी इधर एक मार्केट लगी हुई है जहाँ पर मतलब सस्ते कपड़े मिलते हैं, मंगल मार्केट करके ट्यूसडे मार्केट लगती है। तो वहाँ पर चलते थोड़ी देर, देखते कुछ अगर होगा तो, अगर नहीं होगा तो फिर सीधे घर को निकलते क्योंकि मेरा काम ख़त्म हो चुका है और मुझे घर जाके काम भी देखना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि घर का काम चला हुआ है, तो जाते मार्केट अगर कुछ होगा तो देखते कपड़े सस्ते, अगर नहीं मिलते तो सीधे घर निकलते फिर। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं। तो यार बहुत थक गया, बहुत गर्मी है यार, मौसम ना इतना साफ है, क्लियर क्या ही बताऊं। तो अभी ना कपड़े चेंज करते हैं, कुछ खाते हैं। यार सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैंने, तो उसके बाद जाता हूँ मैं लेंटर के ऊपर, आपको दिखाता हूँ क्या काम चला है। तो पहले कपड़े चेंज करते हैं, फिर कुछ खाते हैं, फिर जाएंगे सीधे ऊपर। तो अभी का सीन ऐसा है, मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। देखिए तो पूरा सरिया बिछा दिया है पूरे में, पूरे लेंटर पे। ये देखिए, ये अपना पूरा स्लैब है, वहाँ से लेकर ये यहाँ तक जहाँ पर अपने भाई लोग बैठे हैं, मैं दिखाता हूँ वहाँ पर जाके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने सारे भाई लोग बैठे हैं, अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे, अपना ड्यू वगैरह फ्रूटी वगैरह सब पी रहे हैं। तो इन्होंने ना लगभग सारा जो भी सरिया था वो तो बिछा दिया, अभी थोड़ा बांधने का काम रह गया इनका। तो मुझे लगता है आज शाम तक अगर ख़त्म कर देंगे तो कल हम लोग स्लैब डाल देंगे इसके ऊपर, अगर आज नहीं कल नहीं होगा तो फिर परसों तक। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। इतने दिन मैं भी घर से बाहर था, तो मतलब इतना काम हो चुका है, तो ऑसम यार, मज़ा आ गया। मैं एक बार ना बैक व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, ना ऑसम व्यू दिख रहा, पूरा पहाड़ दिख रहा। मतलब जो निचला फ्लोर था उससे उतना क्लियर नहीं दिख पाता था हमारा, जो पूरा पूरी वैली बोल सकते हैं यहाँ पे जितने भी घर घर है। तो
तो अभी जो ऊपरला फ्लोर है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ से ना पूरी वेली दिखाई दे रही है। तो मैं एक बार ना बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको। तो ये चेकआउट करे पब्लिक, मस्त वाला नज़ारा देखिए, पूरी वेली दिखाई दे रही है यहाँ से, और अपने पहाड़ भी ऐसे लग रहे हैं सामने है। मस्त वाला व्यू आ रहा है यार। तो देखिए मस्त वाली फीलिंग यार। तो यहाँ पर खड़े होकर एक अलग ही फीलिंग आ रही है इस टाइम, क्योंकि ना पूरी वेली दिखाई दे रही है जितनी भी यहाँ से, और पूरे पहाड़ ऐसे लग रहे बिल्कुल सामने सामने है। तो अब जब ये तैयार हो जाएगा एक बार, तो जब यहाँ पर खड़े होकर पार्टी शार्टी करेंगे ना, एक मस्त वाला व्यू होगा मतलब मेरे सामने। तो अपने दोस्तों वगैरह को बुलाएंगे और मस्त पार्टी करेंगे यहाँ पर। अभी ना अपने जो पिलर्स है, अपने बीम्स है यहाँ पे, देखिए जो जितने भी बीम है पिलर है सबका काम हो चुका है कंप्लीट। बस जो ये बीच की लाइनिंग है ना, इनमें सरिया बिछाना रह गया है, और इन्हें जो तारों से बांधते हैं ना, बस ये काम रह गया है। बाकी तो लगभग कंप्लीट ही हो गया। तो यार बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, तो देखते हैं अगर आज कंप्लीट हो जाता है तो कल को स्लैब डालेंगे, लेंटर डालेंगे, नहीं तो फिर परसों को होगा। चलिए देखते हैं जैसा भी रहेगा। ये अपने भाई लोग फिर से काम पे लग चुके हैं पूरे जोरों शोरों से, तो देखते हैं शाम को कब तक ख़त्म होता है अपना ये काम, फिर उसके बाद का प्लान देखते हैं शाम के लिए। अभी बैठते हैं भाई लोगों के साथ, बढ़िया नज़ारा देखते हैं पीछे का, मतलब पूरा पहाड़ मस्त वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पर रील्स बनाएंगे ना, मतलब ऐसे पहाड़ मस्त वाले, और जब वहाँ पर स्नो पड़ेगी ना तो पब्लिक मतलब कतई जाहिर। तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी इलेक्ट्रिशियन का काम चला हुआ है यहाँ पे, तो लाइटों के लिए पाइपें बिछा रहे, जो लाइटें फैंस लगेंगे, सीलिंग लाइटें जो कुछ भी लगेगा, तो अभी उसका काम भी स्टार्ट हो गया है। तो बाकी अपने दोस्त लोग लगे हुए देखे, परे अपने एक भाई यहाँ पे लगे हुए देखे, इन्होंने सारी जो भी सरिया था सब कुछ बिछा दिया है, बस अब लगभग बांध भी दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर देखे तो अभी लाइटों का काम चला हुआ है, ये अपने फ़ैन और ये जो सीलिंग लाइटें होती हैं ना ऊपर के लिए, तो अभी भाई वगैरह लगा रहे हैं। तो मतलब स्टार्ट हो गया यहाँ से जो फर्स्ट वाला रूम है लगाना। तो फाइनली मैं अपने रूम आ चुका हूँ। तो अभी ना बिजली का काम और अपने सरिया का काम थोड़ा सा बच चुका है, वो सुबह करेंगे, सुबह ही आके वो लोग, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई है, तो इतना ऊपर काम करना तो थोड़ा ख़तरा भी होता है, तो वो लोग चले गए। तो मैं भी थक चुका हूँ, इधर उधर घूम के सामान लाना यार इधर उधर। तो इस ब्लॉग का ये प्रैंक करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय पब्लिक।